नमस्ते, किचन क्वीन ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पराठा। ये पराठा बहुत ही यमी है, इसका नाम ही चाट पराठा है, तो आप समझ ही गए होंगे ये कितना टेस्टी होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि इस तरह की नई नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पराठे के लिए हम आटा लगाएंगे। तो उसके लिए 1 कप हमने लिया है गेहूं का आटा, और उसके साथ 1/4 कप हमने लिया है मैदा। आप पूरा आटा भी ले सकते हो, लेकिन मैदे से इसका बाइंडिंग अच्छा होता है। उसके बाद 1/2 टीस्पून हमें चाहिए अजवाइन, जिसे हाथों पे इस तरह मसलते हुए हमें डालना है। नमक स्वाद के अनुसार, और 1 बड़ा चम्मच हमें इसे घी डालना है। इसे हाथों से अच्छे से हमें मसल लेना है इस तरह। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और रोटी के लिए हम जैसे आटा लगाते हैं वैसे हमें आटा लगा लेना है। तो इस तरह हमने इसका आटा लगा लिया है। अब हम इसे 10 मिनट साइड में रखेंगे, तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 1 कप शेव ली है। ये भावनगरी शेव है, आप बड़ी गाठिया भी इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 1/2 कप हमें इसमें बारीक शेव यूज़ करनी है। इसी के साथ हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने होंगे, तो 1 टीस्पून धना पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, आप इसकी जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ तिल लिए है, 1 हरी मिर्च ली है जिसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें 1 बड़ा ऑनियन लिया है, जिसे बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसी के साथ 1 टमाटर, जिसके हमने बीजें निकाल लिए हैं और उसे भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद कटा हरा धनिया और नमक स्वाद के अनुसार, और इसे हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो जब आप पराठा बना रहे हो तभी आपको स्टफिंग बनानी होगी। अगर आप स्टफिंग बना के रखोगे तो ये नरम हो जाएगा, तो आपको पराठा अच्छे से बेलते नहीं आएगा। तो इस तरह इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, तो 1/2 नींबू का रस हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हमारा स्टफिंग बन के रेडी हो चुका है। अब हम पराठा बेलेंगे। अब हमें आटे की 2 लोइयां लेनी है, तो दोनों लोइयां हमें पतली पतली बेल लेनी है। तो इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और उसे बेल लेंगे इस तरह। तो इस तरह हमने दोनों रोटियां बेल ली है। अब हम इस पे स्टफिंग भरेंगे, तो इस तरह इसे हमें स्टफिंग रखना है। साइड का पोर्शन छोड़ देना है, सिर्फ बीच में ही हमें रखना है। और फिर जो दूसरी रोटी हमने बेली है वो इस पे रखेंगे इस तरह, और इसे हाथों से हमें अच्छे से दबा लेना है। अब हमें इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह बेल लेना है। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हमें बेलना है, बस इतना ही। अब इसे हम सेक लेंगे। यहाँ तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इस पे पराठा डालेंगे तो इस तरह, और इसे एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। अब हमें इसे पलट देना है। अब दूसरी साइड से भी हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। अब दूसरी साइड से भी हल्का सा सिकने के बाद हम इस पे घी लगाएंगे, तो हमें इस पे घी
घी, तेल, बटर आप जो पसंद कर करते हो वो लगा सकते हो। और इसे हमें पलट लेना है, इस पे से भी हमें घी लगा लेना है। तो इस तरह हमारा क्रिस्पी पराठा बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इस तरह हमारा क्रिस्पी चटपटा चाट पराठा बनकर रेडी हो चुका है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जो चाट लवर्स हैं उन्हें तो ये बहुत पसंद आएगा, आप इसे ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।